पूरा 16 राज्य से घूमते हुए ट्रॉफी आज छत्तीसगढ़ पहुंचा और ये आखिरी पड़ाव, इसके बाद उड़ीसा होगा जिसमें वर्ल्ड कप हॉकी होने वाला है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और वो वर्ल्ड कप खेल देखने भी जाएंगे आज छत्तीसगढ़ से 40 बच्चे। और छत्तीसगढ़ में खेल के लिए हम लोगों ने एस्ट्रोटर्फ जसपुर में बनाया है और धरतराई बिलासपुर में बना है, तो लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए 21 अकादमी का निर्माण किया गया है। इसके पहले हमारी सरकार के पहले तो एक भी एक अकादमी नहीं था, अब 21 अकादमी बन चुका है। तो लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और खेल मंत्री जी कहाँ गए, नहीं आए, लगातार काम कर रहे हैं, जिस समय उनको भी बधाई और खिलाड़ियों को भी बधाई। देखिए जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों कहा गया था कि राम विरोधी हैं। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथा कथित उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए, किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया। और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो देश भारतीय जनता पार्टी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, भारत में राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, मैंने आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम नफरत के बाजार प्यार की दुकान खोलने आए हैं। नफरत के बाजार में प्यार की दुकान, तो ये तो देश में आज़ादी की लड़ाई के समय से पहले से चला आ रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी, तब भी ये कुछ संगठन हैं जो लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे और अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। आज भी इन लोगों का जो मूल चरित्र है वो ये है, अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, आपस में नफरत के जहर घोलना, ये इनका मूल चरित्र है। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हम प्यार से ही देश को जीता जा सकता है। और ये बात, ये हिंदुस्तान के भारत के मूल चरित्र रहा है। बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे देश दुनिया के मानचित्र में उभरा और वो समाप्त भी हो गए, लेकिन भारत की यही जो मूल चरित्र है, भाईचारा और प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, और यही कारण है कि अनेक आक्रमण हुए, अनेक संस्कृति के लोग आए, अनेक जातियाँ आई, उसके बाद भी आज भारत जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। सर, राम सेतु को लेकर एक सवाल है, जब ये बयान आगे बढ़ेगा, यदि सच में राम भक्त होते तो अपनी सरकार के खिलाफ आलोचना करते, यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मूल चरित्र यही है कि कैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये इनका चरित्र है। लगातार देखिए किसान, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार के हम लोग शासन है, किसानों के साथ खड़ी है, किसान और सरकार एक साथ हो तो किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका उदाहरण है। आप देखेंगे कि धान का उत्पादन पहले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती थी सरकार, पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, और आज वो बढ़ के 1,10,00,000 मीट्रिक टन तक पहुँच रहा है। तो कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई, रकबा भी बढ़ा, और न केवल धान के बल्कि मिलेट्स में भी, कोदो कुटकी रागी के भी आप समर्थन मूल्य घोषित हुआ, उसकी खरीदी हुई, अब मक्का से गन्ना से इथेनॉल भी बना रहे हैं, बनने वाला है, वो प्लांट भी जल्दी शुरू होगा, तो उससे कैसे लोगों को ज़्यादा कीमत मिले। गन्ना की सबसे ज़्यादा कीमत भी छत्तीसगढ़ में है, गन्ने में मिठास भी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के, और शक्कर भी ज़्यादा आ रहा है, इस साल जो रिकवरी है वो मिला, तो इस समय तो खूब पैसा मिला है गन्ना को, किसानों को। तो हमारी कोशिश यही है कि जो न केवल कृषि कार्य बल्कि जो गौपालक है उसके भी आय में वृद्धि हो, तो हर प्रकार से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले संपन्न हो, तो उसके लिए जितने भी नवाचार हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा जो कवायद है और जो स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है और राहुल गांधी की चिट्ठी लिखना, वो बता रहा है कि ये राहुल जी के पदयात्रा से घबराए हुए,
और रोकने के लिए तमाम प्रकार के ये कवायद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कोविड प्रोटोकॉल है सब पालन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्शन दे दे राज्य सरकारें सब करेगी, तो उसमें कोई बात तो है ही नहीं है। लेकिन अचानक से कोरोना का, और जहाँ चीन में हैं तो वहाँ से तो आवाज़ है, रोक नहीं रहे, प्लेन को रोक नहीं रहे, वहाँ के यात्री आ रहे हैं, उसके कोई अतिरिक्त आप कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कोरोना के बहाने राहुल गांधी को रोकना चाहते हैं? ठीक है, ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बारे में सभी जो पीसीसी चीफ है, जितने सीएलपी लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब आए थे, और पहली बैठक पीसीसी और सीएलपी के खड़गे जी की अध्यक्षता में पहली बार हुआ, और हम सब ने उसका स्वागत भी किया। हिमाचल की बधाई खड़गे जी ने दी कि बड़ी जीत हुई है, और ख़ासकर हिंदी बेल्ट में पहली बार बहुत दिनों बाद ये जीत हासिल हुई है, तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। और किस प्रकार से हाथ जोड़ो अभियान है उसको चलाया जाएगा उसके बारे में बताया गया। और दूसरी बात जो है कि जो महाधिवेशन होने वाला है वो फरवरी के तृतीय सप्ताह में होना है, मैं पहले भी आपको बताया था, और एक आध दो दिन में हो सकता है वो डेट डिक्लेयर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी अभी रमन सिंह जी जिस प्रकार से भोजन किए उसी प्रकार से भोजन कर रहे हैं। इसके बहुत सारे ये मिलेट्स जो है वो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, और इसको देश में और देश के बाहर भी दुनिया के लोग इसको मानते भी हैं। हमने इसीलिए कार्गो का मांग किया है, लेकिन भारत सरकार है कि दे नहीं रही है। हमारे पास एयरपोर्ट में सारी कुछ व्यवस्था है, यदि कार्गो दे दे तो ये जो मिलेट्स है वो विदेशों में भी जाएगा, दुनिया में जाएगा, तो हमारे उत्पादक उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन भारत सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी बढ़ना है तो बढ़े। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें, और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।